हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट के लिए। हम इस वीडियो में फिजिक्स के महत्वपूर्ण चित्र जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे, उनका हम इस वीडियो में चित्र देखेंगे। तो जो हमारा पहला चित्र है ट्रांसफार्मर, आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर का चित्र दिख रहा है। अगर आप इस चित्र को बनाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, एकदम आसान तरीके से हमने चित्र को बनाया है। आप वहाँ से जाकर ट्रांसफार्मर के चित्र को देख सकते हैं और इसके नोट्स को भी वहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा देखिए अगला चित्र है चल कुंडली धारा मापी, यहाँ से आपको चित्र दिख रहा है। आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चित्र बन जाएगा, ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है। आपको पटरी और पेंसिल की सहायता से सभी चित्र को बनाना है। अब देखिए हमारा तीसरा चित्र है किलकित कुंडली धारा मापी, यहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। अब हमारा चित्र नंबर चौथा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग, ये चित्र दोनों एक ही तरह से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण तरंग का चित्र, अभी हम यहाँ पे अर्ध तरंग का चित्र भी दिखाएंगे, तो आप यहाँ से देखिए चित्र को बना सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला चित्र है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, ये भी आपका लगभग 5-4 कुछ नंबर में पूछ सकता है, तो आप यहाँ से चित्र को देख सकते हैं और आप आसानी से घर पर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में आपको भूले ना चित्र और आप आसान तरीके से एग्जाम में बना ले चित्र को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है चोक कुंडली, ये भी लगभग आपका 2-3 नंबर में चित्र पूछ लेता है और उसके बारे में पूछ लेता है। अगर चित्र नहीं पूछा है, अगर आपको चित्र बनाने आ रहा है तब भी आप इसको बना सकते हैं, चोक कुंडली का ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ से आप चित्र को देख सकते हैं। इन सभी का हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जाके चित्र को आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चोक कुंडली लगभग आपका 2-3 नंबर में पूछेगा और आप बना देंगे, तो सबसे पहले जो कॉपी आपकी चेक होती है, अगर टीचर चित्र को देखता है तो ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और आपको नंबर मिल सकता है ज़्यादा, इसलिए चित्र को ज़्यादा बनाइएगा। अगर आपको आता है चित्र तो आप बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये दोनों चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पी एन पी चित्र लगा दिया है और यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पे एनपीएन का भी लगा देंगे, तो यहाँ पे आप दोनों चित्र देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो चित्र नंबर हमारा है 9 है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, तो ये भी चित्र लगभग आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करना, ज्यादा कुछ कठिन चित्र है ही नहीं, गोला करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अल्फा ग्रेड दिखा देनी है, लगभग आपका आधा पेज में चित्र हो जाएगा और आधा पेज में आप कुछ लिख देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विद्युत जनित्र है, आप इसका चित्र आसान तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जाके देख बना सकते हैं। अब देखिए हमारा 11 नंबर चित्र है वांडी ग्राफ जनित्र, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तब भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, दो गोला करना है, ऊपर गोला करना है, देख सकते हैं चित्र ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को देखकर बनाएंगे तो आपको चित्र बनाना आसान तरीके से आ जाएगा। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है मीटर सेतु, ये भी चित्र इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे 13 नंबर जो चित्र है व्हीट स्टोन सेतु, यहाँ पे देखिए चित्र दिख रहा है, अगर आप देखकर बनाएंगे तो आपका चित्र बन जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।